तो एक बार दोबारा स्वागत है मेरे इस क्या बोलना था मेरे को, मैं भूल गया डायलॉग। तो स्वागत है मित्रों में इस पैंडेमिक गेम की सीरीज में। तो आज अपन खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और ये है अपना एपिसोड नंबर 46 शायद मैं सही हूँ, मे बी आई डोंट नो। बट या मैं आज क्या करने वाला था मैं एक मिनट को, हाँ तो आज अपन बनाने वाले थे एक विदर स्केलेटन फार्म जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर का ऑलरेडी वो था, डिमांड था, ठीक है। और उसने मुझे दो बार, कई बार, लिटरली दो बार नहीं, दो बार से ज़्यादा उसने बोला कि भैया आप मेरे फार्म्स को नहीं बना रहे हो। तो मैंने उसके उसके जो कमेंट्स थे उसको मैंने पिन किया, अपने दिमाग में फिट किया, देन डिसाइड किया कि चलो बनाएंगे। भाई ये चीज़ तो कन्फर्म कर लो कि वो फार्म बनने नहीं वाला, मतलब बनेगा पर अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये सब जावा एडिशन वाले ही फार्म्स के लिए बना हुआ है। देखो जो अपन बनाएंगे ना एकदम एफिशिएंटली वर्क करेगा थोड़ा पल के लिए, उसके बाद सब बेकार हो जाएगी। जैसे एंडमैन फार्म है उसको तुम बनाओगे जैसे जावा में बनता है वैसे बनाओगे, चलेगा एक बार, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, जो आपका मॉब्स को डिस्पॉन हो जाएगा। तो यही सीन होने वाला है जावा एडिशन में भी, मतलब ये अपने वेदर स्केलेटन फार्म में भी, वो एक बार ही वर्क करे उसके बाद वर्क नहीं करेगा, ये तुम्हें कन्फर्म कर दूँ। बट ठीक है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या बनाया। तो चलो फिर फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी तुम फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो याद से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे भाई लोग यार तुम्हें एक चीज़ बतानी थी, मैं ना अब सबके वो क्या बोलते हैं इनविटेशन कार्ड बांटने वाला हूँ, पता है किस चीज़ का, ताकि तुम लोग कमेंट करो भाई। भाई पहले इतने सारे कमेंट्स आते थे भैया लव यू, ये करो वो करो, भाई अब क्या हो गया, अब कोई कुछ कमेंट ही नहीं करता। चलो ठीक है वीडियो को लाइक नहीं करता समझा, लेकिन कमेंट तो करना इजी पीजी होता है ब्रोम, तो कर दिया करो दोस्त, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से मैं कुछ सामान इकट्ठा करता हूँ और मिलता है 2 मिनट के अंदर। बाकी तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने हैं वो भी अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करो, ठीक है, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है चलो फिर बाय बाय। ओके तो मैं चुका अपने वो बगल वाले घर के, मतलब जो घर के बगल में एक केव था, जो इसने मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होगी ना एपिसोड 1 से, उसको पता होगा कि भाई ये जगह कौन सी है, ये जगह मेरी थी जहाँ पे मैंने ढेर सारे डायमंड लूटे थे भाई, लिटरली बहुत सारे। और हाँ ये जगह जो मैंने बनाई थी अभी, ये जाता है अपने स्पाइडर स्पॉनर के पास, जो कि स्पाइडर स्पॉनर मेरे लिए ना वो नहीं था, मतलब मैटर नहीं करता कि एक्सपी मिले वट एवर एनीथिंग, बट मैंने उसको इसलिए बनाया था ना ताकि अपने को ढेर सारे स्टिंग मिल सके और उसे अपन ट्रेड कर सके। शू ओके, तो फटाफट से लावा का भंडारा दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ पे है। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज जूस का पूरा भंडारा पड़ा हुआ है। और हाँ मैंने ये साइड में एक और चीज़ दिखाना था मेरे को, मैंने इस साइड में एक स्पॉनर भी देखा था जो कि काफ़ी सारे बंदों ने देखा होगा स्टार्टिंग एपिसोड में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उन्हें दोबारा दिखा देता हूँ। माइको मैं यहाँ पे मॉब स्पॉनर मिल गया था जो मैंने पूरा लाइट अप करके बंद कर दिया था। और हाँ मैंने को एक रिसेंटली मैं ऑफलाइन वीडियो में खेला था तो मुझे एक चीज़ दिखी थी, वो है अपना स्केलेटन स्पॉनर। लिटरली मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिला था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि भाई अपने पास ना कंकालों वाला हड्डियों के ढांचों वाला वो फार्म नहीं है, तो अपन बनाएंगे जल्दी उसको भी, ठीक है। तो चलो फिर इस वाले मजदूर को शुरू करते हैं और मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। ओके तो फाइनली मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जो जो मुझे ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों की मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो चलो फिर फटाफट से दिखाते हैं क्या क्या मेरे पास है। देख सकते हो तुम लोग मेरे पास काफ़ी सारा चीज़ पड़ा हुआ है। फायर स्टोन पोशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई वहाँ पर परेशानी तो होने वाली बहुत ज़्यादा ही, बट अगर ज़्यादा परेशानी हुई नहीं तो मैं थोड़ा सा मतलब हार्ड को ना कुछ चेंजेस कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेदर में। ओके तो अपन आ चुके नेदर में, और एक मिनट इसमें कुछ है फालतू सामान, ऐसा फालतू ही पड़ा हुआ है, कुछ काम को तो कुछ है नहीं इसमें। ओके छोड़ो इसको, ये इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे पास जो पड़ा हुआ है। एक काम करते पहले इस यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता कि अपन मरे, वैसे मरेंगे तो है ही नहीं भाई, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। ओके चलो फटाफट चलते अपने नेदर फोर्ट्रेस पास। बाकी मतलब काफ़ी सारे बंदों ने देखी होगी मेरे नेदर फोर्ट्रेस वाला रास्ता, बट जिन्होंने नहीं देखा जाके पुरानी वाली वीडियो देखो तुम लोग पता चल जाएगा। बाकी भाई कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ना, एक मिनट ये सुअर बाकी हो रहा है, ओए सुअर हेलो भाई डर। ओके सॉरी यहाँ पे ये वाला वो है प्लांट, पता नहीं सर डरते कि वो लोग मुझे नहीं पता, बट ठीक है जैसा भी भाई सही है अपने लिए। ओके लेट्स गो, अपन चलते फटाफट से नेदर फोर्ट्रेस के पास और अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। श्यू भाई यार मैं जैसे यहाँ पे आया भाई मेरे को एक रेड का वो दिख गया भाई, ये क्या स्टूपिड बंदी है भाई, नेदर में रेड, आर यू सीरियस ब्रो रियली। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे कमेंट बताना कि भाई नेदर में रेड कैसे हो सकता है ब्रो, ये कौन सा नशे है भाई। ओके इस चीज़ को छोड़ो भाई, अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने को अपने काम से काम देना है। ये रेड वेड का छोड़ो भाई, ये पता नहीं वो होंगे कहाँ पिलेजर्स होंगे कहाँ, मुझे ये भी नहीं तो नहीं पता। ओके चलो फिर मिलते अपने फोर्ट्रेस के पास फटाफट से।
ओके तो अपन आ चुके अपने नेदर में, और भाई सामने मेरा ब्लेज ब्लेज स्पॉनर वो है फार्म है, ब्लेज स्पॉनर फार्म, आई थिंक उसको ब्लेज स्पॉनर फार्म ही बोलते हैं भाई। लिटरली ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, मजाक आ भाई, मैं सोचा वहाँ से टेक लेकर आराम से लेंगे, बट ठीक है अपन आ चुके हैं तो चलते एक जन को थोड़ा सा चाटे वाटे मार देते हैं, वो अपने ऊपर है भाई, शू हो गए तो अपन इसको मारेंगे, तेरी भैंस रंग मजा हैं, उसको मर जाना चाहिए था अब तक, अब मरेगा, अब फाइन मर चुका है। और यहाँ पे दुबलेज रोड, आई थिंक वहाँ दुबलेज रोड अभी मिला है शायद मेरे ख्याल से, ओके कोई ना, इस फालतू काम को छोड़ो भाई, अपने काम पे ध्यान देते क्योंकि अपना फार्म बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, लिटरली बोलो मैं लग से आधे घंटे से लड़ रहा हूँ पर अभी भी भाई भाई ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैंने अपने गेम को हार्ड से ईजी किया, फिर नॉर्मल किया, फिर उससे भी किया, पर फिर भी नहीं हुआ, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत हुआ यार। लिटरली मुझे पीसफुल में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं हार्ड में खेला ना तो ये सोच लो कि बस एक ही ब्लॉक लगा पाऊँगा, उसके बाद कभी लगा ही नहीं पाऊँगा मैं ऐसा आपको सीन हो जाएगा भाई। तुम लोग देख सकते हो मैं कितने सारे लोग को मार रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी ऑन रखता ना अभी तुम लोग को दिखता और ज़्यादा ही, तुम खुद देखो ना भाई, बस हार्ड मोड में था मैं मारे जा रहा था मारे जा, कोई देखो अभी मर रहे हैं फिर उसके एक सेकंड बाद स्पॉन हो जा रहे, फिर मर रहे फिर स्पॉन हो रहे, भाई ऐसा हालत ख़राब हो जा रही भाई ओके तो चलो फिर फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, ट्राई करेंगे थोड़ा सा बनाएं, चलो फिर फटाफट से चुटकी मार के उसको बना देते हैं। क्यों ओके मेरे पास ज़्यादा ब्लॉक्स तो नहीं थे बट जितना था मैंने उतना इनफ लगा दिया, ठीक है मेरे ख्याल से इतना बड़ा ठीक रहेगा, मतलब उतना चल सकता है काम। ओके तो अब मुझे क्या करना है, मेनली मुझे ना यहाँ पे चार पोर्टल आई थिंक बनाने होंगे, अब आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे बनेगा। मैं थोड़ा सा देखो ये पता नहीं पीसफुल में कैसे ये पिगलिस मुझे मार नहीं रहे हैं, और इन उल्टा मैंने मार दे रहा हूँ, मैंने पीट दे रहा हूँ वो चल रहा है लेकिन ये लोग मुझे नहीं मार रहे हैं, ये अच्छी बात है मेरे लिए। तो मुझे यहाँ पे लगाना है तीन ऑब्सीडियन ऐसे, देखो मैंने इनको मारा ना, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सच में भाई क्या मजाक चल रहा है, पीसफुल इतना ईजी कैसे हो सकता है, बट यार फार्म के लिए तो बनाना पड़ेगा। चलो फिर फटाफट से पहले पूरे पोर्टल अपना क्रिएट करते हैं। ओके पोर्टल तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया बट मैंने ट्रैपडोर वाला सिस्टम पहले बना दिया क्योंकि मुझे लगा कि ट्रैपडोर वाला इजी पीजी रहेगा थोड़ा, और हो सके तो मुझे इसके एक मिनट मैं इसके अंदर जाऊं तो मैं क्या इसके ऊपर आ सकता हूं, हैं नहीं यार हैं मैं आ सकता हूं ब्रो, मजाक चल रहा है, मैंने अच्छा तो बनाया भाई पर ये कैसे हो सकता है, मेरे ख्याल से नीचे वाला तोड़ के ना इसको डालना ऊपर। ओके फाइन ये अंदर गया, अब इसको भी देखते हैं अगर ये बाहर निकल गया तो मान जाएंगे भाई, ये अगर निकल गया तो प्लीज़ भाई बेइज्जती मत करियो, प्लीज दोस्त मत निकलना बाल भैया मत निकल। ओके फाइन ये निकल सकता है, ये निकल सकता है मैं वो भाई ओके तो एक काम करते हैं फटाफट से पोर्टल कनेक्ट करते हैं और इसके ऊपर ये जो अपने ट्रैपडोर्स हैं इनको भी दोबारा प्लेस कर देते हैं और इन्हें नेम टैग भी देना पड़ेगा मेनली। चलो फिर पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, चल 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 चुप चुप अच्छे बजे। ओ भाई बढ़िया, कितना प्यारा शूअल है भाई शूअल कितना प्यारा शूअल है, आराम से अच्छे बच्चे की तरह घुस गया अंदर। ओके मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं किया, अब इसी पीछे आराम से इसको फटाफट से पोर्टल कनेक्ट करते हैं पहले। ओके तो मैंने इसको लाइटअप भी कर दिया पूरा पूरा, अभी काम करते चलते अंदर देखते ये भाई ये अपने को कहाँ ले जा रहा है, सबसे मेन मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि अगर वहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं अपन वहाँ पे हमें बनाना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत एरिया, ठीक है लेट्स गो उसके फटाफट से करते हैं भाई। ओके मुझे किसी केव में तो लाया पर मुझे काम करना पड़ेगा, सबसे मेन पहले इन सबको ढकना पड़ेगा ताकि इजी पीजी अपना जो मतलब जितने भी वो स्केल्टर्स आएंगे वो आराम से यहाँ तक आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, और मुझे इसके नीचे वाला इसके नीचे के दो ब्लॉक और तोड़ने पड़ेंगे इसको साथ इसके साथ साथ क्योंकि जो अगर अपन वो सब गिरेंगे ऑब्वियसली एक मिनट गलती छूट गया, अगर वो गिरेंगे तो दो ब्लॉक की हाइट पर ही जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। और क्या पता यार मुझे मतलब शक हो रहा है कि क्या पता वो तीन ब्लॉक के नीचे आए, तो मैं इसको देखना पड़ेगा, मैं इसको बाद में भी ठीक करूँगा, फिलहाल में जैसा है वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, पहले इसको तोड़ लो इजी पीजी, यहाँ पे पानी का फ्लो डालेंगे और देखते हैं ये पानी का फ्लो कहाँ तक जाता है, उसके नीचे लगाएंगे अपना हॉपर चेस्ट जिससे अपना काम बन जाएगा। लेट्स गो ये हो चुका है, यहाँ पे अब देख लेते हैं अपने को कितना टाइम लगता है वाला। ओके तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और मुझे इस जगह को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जाएगा अपना दोनों चेस्ट इजी पीजी और यहाँ पे जाएगा अपना हॉपर इसे कनेक्ट होकर ऐसे ऐसे लेट्स गो ये हो चुका है। अब इसके ऊपर वाले ब्लॉक्स को तोड़ के मुझे यहाँ पे स्लैब लगाना पड़ेगा क्योंकि स्लैब लगेगा तो ही मतलब वो लोग मुझे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब मार नहीं पाएंगे मुझे, ठीक है तो यहाँ पे जाएगा अपना एक स्लैब, दूसरा स्लैब और तीसरा स्लैब यहाँ पे ऐसे जाएगा और चौथा स्लैब यहाँ पे इजी पीजी लेट्स गो। अब यहाँ से मैं उसे उन्हें पीट भी सकता हूँ, वो पता लगे कि
कर नहीं पाऊंगा। ओके तो अब मुझे एक और चीज़ देखना पड़ेगा, मुझे कहीं दूसरी जगह पोर्टल बनाना पड़ेगा, मतलब अपने उस वाले पोर्टल से, नेदर फोर्टिस वाले पोर्टल से थोड़ा सा दूर, ताकि वो वाला कनेक्ट इससे हो और फिर वहाँ से मैं यहाँ पे आ सकूँ। तो चलो फिर मैं करके दिखाता हूँ क्या सीन है उसका। ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने इस वाले पोर्टल में। ओके फाइनली अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये ट्रैप डोर अगर ना लगा तो सच में पिट जाएगा वैसे कायदे से, इसलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मुझे एक देखना पड़ेगा कि इसको मैं कितना दूरी पे अगर मैं पोर्टल बनाऊँ तो कितना तक वो कनेक्ट होगा, वो चीज़ भी देखना पड़ेगा। चलो फिर मैं एक एग्जैक्ट लोकेशन बना लेता हूँ और मुझे एफ के पॉइंट भी देखना पड़ेगा अपने लिए। सब करके मिलता 2 मिनट के अंदर भाई, क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा लगेगा, वो इजी पीजी है। आप लोग कितना भी ब्लॉक ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम 20 ब्लॉक्स तक लेना, एटलीस्ट 20 ब्लॉक लेना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके लेट्स गो, ये भी हो चुका है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पोर्टल, इजी पीजी। अभी काम करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं, फालतू से गलती से लग गया था गलती से। ओके तो इसको एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं ये वाला पोर्टल कहाँ पे जाता है। उससे वहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा भाई। ओके मुझे निकाला तो है, पर कोऑर्डिनेट्स देखो 53.9 था ना और 31.91, तो मुझे इधर ही जाना है। चलो फिर फटाफट चलते इधर कहीं, देखते भाई अपने को कहाँ जाना है। ओके मैं चलते चलते थक गया था, इसलिए बोला उड़ के चलते भाई। ओके नहीं, किसी ने 53.5 था ना, 53.05 था और 31.91 था। ओके मेरे को इधर जाना है, मैं गलती से थोड़ा आगे चला गया था। आई थिंक इधर ही होना चाहिए 53.91, नहीं इधर जाना है 31.91। ओके 53.00 है, अब मुझे 5 करना है और 91 करना है, इधर जाना है थोड़ा सा और आगे आई थिंक, क्योंकि 53.5 ज़्यादा। ओके यहाँ पे आते हैं 53.91 हो गया ये और 53.05, यहाँ पे मुझे डिक करना है पूरा पूरा स्ट्रेट। तो लेट्स गो इसको फटाफट से डिक करते हैं। ओके तो ये चीज़ तो हो गया भाई अपना इजी पीजी मस्त करके, लेट्स गो अपने यहाँ से आ जा सकते इजी पीजी। अब रास्ता ही पता चल गया है, अब मुझे मेनली क्या करना है, बस अपने गेम को हार्ड मोड में करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे पूरा पूरा लैडर्स लगाना पड़ेगा। तो भी लगा लेते हैं। ओके तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इजी पीजी। अभी काम करते हैं, इस जगह को थोड़ा सा लाइटअप भी कर देते हैं क्योंकि लाइट की ऑफिस जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से लाइटअप करने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगा पोर्टल में, पोर्टल से अपन जाएंगे डायरेक्ट नेदर में और वहाँ से अपना एक एक पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद गेम को हार्ड मोड में कर देंगे। और देखना मुझे ये कि क्या ये फार्म लिटरली वर्क करता है, ऑफिशियली वर्क करना चाहिए भाई, बहुत टाइम लगा है मैंने इसमें। ठीक है चलो फिर ये भी कर लेते हैं फ्रॉड्स। ओके लेट्स गो ये हो चुका है, अब मुझे अब एक एफ की पॉइंट देखना पड़ेगा। सबसे मेन मुझे यहाँ पे एक और वो लगाना पड़ेगा भाई, फेंस गेट लगाना पड़ेगा आई थिंक से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर यहाँ से अपन आए तो कहीं गिर ना जाए इस वजह से। चलो फिर ऊपर लकड़ियाँ वकड़ियाँ देखते हैं और फिर चलते हैं फिर कहीं से। ओके तो मैंने बहुत मुश्किल से इसको अंदर रखा है, अब जाके इसको नाम देने वाला हूँ, इसका नाम होगा हग्गू। ठीक है लेट्स गो प्रोडक्शन का एक्टिवेट करते हैं और चलते हैं अपने एफ के पॉइंट पे और वहाँ पे थोड़ी देर एफ के होते हैं और फिर देखते हैं कि क्या अपने वो हड्डियों के खोपड़े काले खोपड़ी, हाँ काले काला खोपड़ी बोलेंगे ज़्यादा नाम अच्छा रहेगा, काला खोपड़ी आते हैं या नहीं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बच के आराम से हौले वाले थोड़ा सा लगा, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके तब करते हैं अपने हार्ड मोड को, ठीक है पीसफुल से हार्ड मोड करते हैं, ये क्या अपना पीसफुल से हार्ड और करते हैं कंटिन्यू। अब देखते हैं भाई क्या मॉब स्पॉन होते हैं या नहीं होते, लेट्स गो। ओके अब तक तो स्पॉन तो नहीं हुआ बट ओके फाइन भाई स्पॉन हो रहे दोस्त, स्पॉन हो रहे यहाँ पे जबरदस्त फाइट चल रही है। ओके काम करते थोड़ी देर एफ के ओके देखते हैं कि भाई अपना फार्म एफिशिएंटली वर्क करता है, बस एक ही बार वर्क करे भाई इतना मेरे लिए काफ़ी है, बस 2-3 लाख विदर हेल्थ स्केल्टर मिल जाए उतना मेरे लिए काफ़ी होगा, थोड़ा हाँ औकात से ज़्यादा बोल रहा बट ठीक है भाई जैसा ही देखते हैं। ओके तो मैं बहुत देर से एफ के हूँ और तुम लोग देख सकते हो मैंने कई सारे लोगों को पीटा भी ऊपर ऊपर से, मैंने वो चला चला के मारा था सबको। अब ये काम करते हैं चलते पोर्टल में देखते भाई जो अपना फार्म है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने सारे हेड स्कल्ट मिलने वाले भाई फ्री का, लेट्स गो आराम से चलते हैं शुरू करके। मुझे मिली ना इसके ऊपर वाला ईजा जो है ना उसको ढकना पड़ेगा और तू शुगर मरियो मत आराम से। कौन है? ओके सॉरी गलती से मिस्टेक प्लीज मत मार, तू मेरा भाई नहीं है दोस्त नहीं है, मत मार प्लीज। ये लगा के फटाफट चलते भाई पोर्टल पे अपने ताकि अपने यहाँ से भाग सके इजिली। ओके तो कैसे करके वहाँ से भाग के आया भाई, लिटरली वो बहुत गंदा पीट रहा था भाई। ओके अब चलते हैं नेदर में, नेदर से अपने ओवरवर्ल्ड में और देखते भाई अपने को कितना
आजकल मिलने वाला है भाई। लाली ललो लाली ललो जल्दी चलो मेरा फॉर्म। भाई लिटरली मैंने बहुत मेहनत की है, तुम लोग को लग रहा हो भाई इतना जल्दी ख़त्म हो गया बनाना बनाना, हालत मेरी ख़राब हुई है। मैंने क्या क्या चीज़ किया मुझे खुद बता, 2 घंटे से ज़्यादा अराउंड 2.5 घंटे या फिर 3.5 घंटे या 3 घंटे तक मैक्सिमम 3 घंटे तक मैंने इसमें पूरा काम किया है। और तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग को लग रहा हो भाई ये जो अपना नीचे जाने वाला फटाफट से बन गया होगा, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कई जगह कोबल स्टोन लगा हुआ है। हालत ख़राब थी भाई मेरी सच में बनाते बनाते। ओके वेट करते हैं। हेलो वेदर स्केलेटन कोई है? ये क्या है भाई? हेलो भाई कोई आया क्यों नहीं भाई? भाई इतने सारे अभी आ रहे थे और अभी कोई यहाँ पे देखा तो कोई है ही नहीं। ये क्या है भाई? हेलो अरे यार यही चीज है भाई, बनाओ फिर कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं भाई, देखते क्या सीन है। ओके तो मैं वो वर्सन दोबारा आ चुका हूँ नेदर में और थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे एफके होते हैं, देखते क्या सीन है। इस बार एक काम करेंगे ना, इस बार इसी पोर्टल से डायरेक्ट होकर जाएंगे अपन, ठीक है? तो शायद अपने लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो, मे बी आई थिंक सो। भाई यार इतना बुरा लगता है भाई, इतनी मेहनत सारी चीज़ें बनाओ फिर वो वर्क ना करें, इनफैक्ट उससे आपको कुछ प्रॉफिट ना हो, दिल से बुरा लगता है भाई, मत किया करो दोस्त। ओके मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो अपने उस पोर्टल के अंदर एक जो अपना वो पिगलिन कैद था वो मर चुका है, पता नहीं कैसे। यही सीन है भाई कि अगर तुम्हें एक से दो बार चले जाओ ना फिर वो मर जाते, पता नहीं क्या सीन रहता है ये मुझे खुद नहीं पता। ओके चेंज करो फटाफट से। हाँ कौन है बे? ओके फाइन मेरे को निकलना पड़ेगा, मैं पता नहीं क्यों लूट रहा मुझे नहीं पता भाई, इतने सारे स्केलेटन स्केलेटन से बाहर मूड रहे भाई। ओए आराम से नहीं देख कोई धक्का नहीं। ओके शायद मेरे यहाँ से वो हट गया था ना मेरे ख्याल से वो ट्रैप डोर, दैट्स व्हाई वो लोग वहाँ पे से मार दिए। भाई क्या हो रहा है, बचा लेना भगवान कहाँ पे। हेलो ओए तुम लोग कौन हो? ओ तेरी भैंस की नहीं मम्मी। ओए एक सेकंड आराम से। चल इतने सारे तुम लोग हो कहाँ से बे? तुम लोग इधर कैसे रुके? तुम लोग उधर जाना चाहिए, भाग यहाँ से, हट यहाँ से भाग निकल बेटा। तुम पंगे मत लो, बहुत मार खाओगे मेरा, तो रुक जाओ थोड़ा खाना खा दो क्योंकि मेरी हेल्थ अभी मरने वाला हूँ मैं। हाँ एक शॉट लगा मैं ख़त्म हो जाऊँगा तुम्हारी भैंस की टांग में, इससे पंगे लोगे मेरे। भाई यार ये लोग यहाँ पे आए बट अगर यहाँ पे पानी डाले फिर वही सीन हो गया, मैं इसको बाद में ठीक करूँगा बट इस फार्म को मैं एक्टिवेट करूँगा पक्का करने वाला हूँ चाहे कुछ भी जाए। एक मिनट कितना मैंने मारा है, चल के एक बार देखे क्या अपने को कितना कुछ मिला होगा। आई थिंक प्लीज़ यार भगवान लाना मत भाई प्लीज़ ब्रो, ठीक है एटलीस्ट एक वेदर हेड तो दे सकते हो प्लीज़ ब्रो। ओके प्लीज़ एटलीस्ट एक तक दे दो प्लीज़, रुला ना मत दोस्त। ओके नहीं वक्त करा भाई, 2 हेड है भाई। भाई मजाक सेट कर लेकिन लिटरली जितना टाइम ही था मस्त था भाई मजा। ओके तो भाई लोग आप लोग वीडियो कैसे लाइक करना जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो ऐसे सब्सक्राइब कर लेना। हाँ इस फार्म को मैं जरूर एक्टिवेट करूँगा क्योंकि मजा आ रहा है भाई सच में। ओके तो लास्ट टाइम थंबा दिखा के जरूर जाना, चलो फिर बाय बाय।